हरियाणा सीएम का बड़ा बयान, कहा ये हमारे लोग हैं, अब समय आ गया है कि इनको समझाया जाए। कानपुर में बढ़ा जीका संक्रमण का खतरा, एक और महिला संक्रमित, कुल 11 लोग चपेट में। किसान आंदोलन पर बोले भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, कहा सरकार सत्ता की हनक दिखा रही, किसानों पर नहीं दे रही ध्यान। अपनी पार्टी पर बरसे सिद्धू, कैबिनेट के फैसले पर खड़े किए सवाल, सिद्धू ने कहा खोखले दावों के पीछे न तथ्य न सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस को भरोसेमंद नहीं बताते हुए उन पर तेज हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि वो पार्टी चीजों से समझौता करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जनसभाओं की एक झलक साझा की, जहां टीएमसी सुप्रीमो को कांग्रेस को एक गैर भरोसेमंद पार्टी कहते हुए देखा गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस समझौता करते हैं, हम समझौता नहीं करते। हम मर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी को मजबूत नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब समय आ गया है कि आंदोलन कर रहे किसान हमारे ही लोग हैं, उनको समझाया जाए। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से बातचीत जारी है, हमने भी आह्वान किया है, कुछ किसान नेता इसके लिए तैयार भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खोलने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है, वो किसानों से लगातार बात कर रही है। उम्मीद है कि जल्द रास्ते खोलने पर सहमति बनेगी। जहां 3 कृषि कानून का मामला है, तो ये हरियाणा का नहीं केंद्र का मामला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, इससे दिल्ली के साथ लगते गांव और उद्योगों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि अब समय आ गया है कि किसानों को समझाया जाए, क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं, वो अपने हैं, उन्हें समझाने का वक्त आ गया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कृषि कानून का मुद्दा है वो केंद्र का है, ना कि हरियाणा सरकार का, लेकिन फिर भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें समझाने की लगातार कोशिश हो रही है। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली समेत आसपास के जो गांव हैं, जो उद्योग हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं, एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो कोरोना वायरस के बाद जीका का खतरा लगातार बना हुआ है। कानपुर में जीका के 11 मामले सामने आ चुके हैं, एक और महिला जीका संक्रमित बताई जा रही है। तो कानपुर में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोग डरे सहमे हैं, दूसरी तरफ डेंगू और वायरल बुखार का खतरा लगातार बना हुआ है, तो अब तीसरा जीका संक्रमण भी सामने आ गया है। अब तक 11 लोग इसकी चपेट में हैं, अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। एक गर्भवती महिला भी बताई जा रही है जो कि जीका संक्रमण की चपेट में है। हालांकि जो जीका संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जैसा ही बताया जाता है, इसका ही एक नया वेरिएंट बताया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ये भी खतरनाक है, क्योंकि कानपुर में वैसे ही डेंगू मलेरिया वायरल बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जीका वायरस सामने आ रहा है, तो लोगों में इससे और ज़्यादा दहशत बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, इन सभी का इलाज बेहतर तरीके से करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सोमवार की शाम को कंकरखेड़ा में भाकियू नेता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर भविष्य में आंदोलन की दिशा पर चर्चा की और आंदोलन में मेरठ की स्थिति मजबूत बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों का ध्यान नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए और बात से ही हल निकलता है। वो कहते हैं कि सरकार अपनी सत्ता की हनक दिखा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसान आंदोलन पर भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार सत्ता की हनक दिखा रही है किसानों के ऊपर, जो कि दिखाना पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि जो नरेश टिकैत हैं वो मेरठ पहुंचे थे और कंकरखेड़ा में उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बयान दिए हैं। दरअसल सोमवार की शाम को कंकरखेड़ा में भाकियू नेता के घर वो पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर भविष्य में आंदोलन की दिशा पर चर्चा की और आंदोलन में मेरठ की स्थिति मजबूत बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों का ध्यान नहीं है, बल्कि उन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अब बात करनी चाहिए और बात करने से हल भी निकाल लेना चाहिए। सरकार अपनी सत्ता की हनक दिखा रही है लगातार, जो कि पूरी तरह से गलत है। बटाला क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके अश्विनी सेखरी ने सोमवार को संयुक्त हिंदू महासभा का गठन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पहुंचे, जहां सिद्धू एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं। उन्होंने पंजाब कैबिनेट के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ऐसे खोखले वादे जिनके पीछे न तथ्य है और न सच्चाई, उनसे कांग्रेस पार्टी की मदद नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में लोग झूठ के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के कल्याण पर ही सिद्धू का कल्याण निहित है। पंजाब का कल्याण कैसे होगा कोई नहीं बताता और ना ही कोई पूछता है। तो एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर सिद्धू बरसते हुए नजर आए हैं। खोखले दावों के पीछे न तथ्य है न सच्चाई, सिद्धू ये कहते हुए नजर आए। तो जो भी अंतरकला है वो एक बार फिर से सामने आ रही है और अब तक ये अंतरकला खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बटाला क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके अश्विनी सेखरी ने सोमवार को संयुक्त हिंदू महासभा का गठन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां सिद्धू एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने पंजाब कैबिनेट के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसे खोखले वादे जिनके पीछे ना ही कोई तथ्य है और ना ही कोई सच्चाई, उनसे कांग्रेस पार्टी की मदद नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर सत्ता में लोग झूठ के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के कल्याण पर ही सिद्धू का कल्याण निहित है। पंजाब का कल्याण कैसे होगा इस पर कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई पूछना चाहता है। आगरा की हवा सोमवार को बेहद जहरीली हो गई। आगरा प्रदूषण के लिहाज से ये रेड जोन में आ गया। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आगरा सोमवार को 3rd नंबर पर रहा। इसके बाद ही गाजियाबाद, बुलंदशहर और आगरा देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों की टॉप 3 लिस्ट में शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स सूची में आगरा का AQI 327 दर्ज किया गया है। अंदाजा आप लगाइए कि दिवाली से पहले ही इस तरह से जो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर जहरीली हवा लगातार बह रही है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य नज़र आई। तो प्रदूषण के चलते रेड जोन में ये पूरा शहर आ गया है। अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो 3rd नंबर पर आगरा रहा है और यूपी के 3 शहर बताए जा रहे हैं, गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर, जो कि टॉप 3 में हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण इन 3 शहरों में देखा गया है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी पूरी तरह से ख़राब है। AQI आगरा का 327 पहुंच गया है, यानी कि रेड जोन में। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला है।
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी समेत आसपास के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश हो सकती है। 3500 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की से भारी बारिश होने के आसार है। हालांकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में बहुत अधिक चिंता की जरूरत भी नहीं है। वहीं ठंड का तेजी से बढ़ना तय है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं और तेजी के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक मरीज की भी मौत हुई है, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 152 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 9617 सैंपल्स की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 8 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 2-2, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन राहत की बात है क्योंकि मामले बेहद कम आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को भी लगातार जागरूक कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, भीड़ भाड़ हो सकती है बाजारों में। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना के आंकड़े जरूर कम हुए हैं लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में त्योहारों के मौके पर खास तौर पर अपना ध्यान रखें। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेजा गया। सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये बढ़कर 152 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पूरी लिस्ट जारी की गई है उसमें 9617 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 8 जिलों जैसे कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अगर बात कर ली जाए देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ की तो यहाँ पर 2-2, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ एक मुकाम पाया है। बता दें कि दिल्ली में 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख ने टेलीविजन शो के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। शाहरुख ने पहली फिल्म दिल आसना है साइन की थी। वहीं अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म साल 1992 में 25 जून को दीवाना रिलीज हुई थी। वहीं इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी अपने नाम किया था। बादशाह कहें, किंग खान कहें या फिर शाहरुख खान कहें, बात एक ही है और आज उनका जन्मदिन है और ये जन्मदिन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके बेटे आर्यन खान जेल से रिहा होकर आए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट या दिवाली गिफ्ट उन्हें आज मिल चुका है। पहली पिक्चर दिल आशना साइन की और वहीं से पहचान मिल गई और तभी से आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और यूं ही वो बॉलीवुड के बादशाह या किंग खान नहीं कहलाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ कोप 26 में दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हुए वैश्विक मंथन पर पंचामृत की सौगात दी। सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरश कार्य कर रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और आगे भी यूं ही मेहनत करता रहेगा। तो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंथन पर पंचामृत की सौगात भी दी है।
क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह सैम डिसूजा ने बड़ा दावा किया है। उसने दावा करते हुए कहा कि आरन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। सैम ने यह भी कहा कि किरण गोसावी पैसों की डील करना चाहता था। उसने ये दावा भी किया है कि सुनील नाम के शख्स को गोसावी से निर्देश मिल रहे थे। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ये ड्रग्स जो है इस पूरे मामले में सियासत भी खूब हो रही है, जहां समीर वानखेड़े पर लगातार नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, तो समीर वानखेड़े नवाब मलिक के हर आरोपों का जवाब दे रहे हैं। इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नाम सामने आ चुके हैं। आरन खान जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे, वो भी जमानत के बाद रिहा हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कई कड़ियां इससे जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल किरण गोसावी ने आरन का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था और सैम डिसूजा ने यह खुलासा किया है कि आरन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज शुरू हो चुकी है। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाली नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर ई लिंग दोह, तेलंगाना के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। तो 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे और अब इसकी मतगणना की जा रही है। दरअसल 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों के नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी है। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे हुए थे और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि हम इस गिरफ्तारी का विरोध भी करेंगे। यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी की। यह फैसला पहले ही किया जा चुका था कि फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। अब अधिसूचना जारी की गई है। बीते अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री के ऑफिस ने ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2018 में फैजाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। यानी कि नाम बदलने का सिलसिला अब भी उत्तर प्रदेश में जारी है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं अब इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के विभाजन के समय करोड़ों लोगों का बलिदान हुआ था और अखिलेश यादव ने देश के बलिदानियों का अपमान किया है। साथ ही भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान उन्होंने किया है। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना की तुलना कर दी थी। इसके बाद से लगातार सियासी माहौल गर्म है, जहां एक तरफ अखिलेश के जिन्ना वाले बयान की निंदा की जा रही है बीजेपी द्वारा, तो वहीं अखिलेश यादव से माफी मांगने को लेकर भी लगातार बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर तंज कसा है, वार किया है और कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बलिदानियों का अपमान किया है और साथ ही भारत रत्न और लोक पुरुष सरदार वाले भट्ट पटेल का भी अपमान यहां करते हुए वो नजर आए हैं।
तो डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर वार साफ तौर पर नजर आ रहा है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को लेकर राजनीति लगातार गर्माई हुई है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को अगर अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो ये किसी तरह से गलत नहीं होगा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया है। अखिलेश ने आगे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस सोफे पर बैठते हैं वो सपा सरकार में खरीदा गया था। यहां तक कि सीएम जिस हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं वो भी हमारी सरकार में ही खरीदा गया था। तो अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज लगातार बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस सोफे पर सीएम बैठते हैं वो सपा ने ही खरीदा था। इसके अलावा जिस हेलीकॉप्टर में वो लगातार सफर करते हैं वो हेलीकॉप्टर भी हमारी सरकार में ही खरीदा गया था। बलरामपुर सशस्त्र सीमा बल सी कंपनी के जवानों को मुख्य बिर की ओर से सूचना मिली है कि तुलसीपुर रेंज के जंगलों में वन माफियाओं की ओर से शीशम के पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी शीशम और सोगन की लकड़ी को पकड़ लिया। कागजात दिखाने को कहा, वहीं कागजात न दिखाने पर टीम ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो शीशम और सोगन की लकड़ी ले जा रहे थे माफिया, जिन्हें जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इनको रोका गया, ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया, साथ ही साथ इनसे कागजात दिखाने को कहा गया, लेकिन कागजात ये नहीं दिखा पाए, जिनके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव गड़ी पर्ती में चोरों ने एक ही घर की दीवार काटकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। वही मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। पीड़ित परिवार की तो माने आरोपियों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी की है और मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो हाथरस का एक पूरा मामला है जहां पर घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दीवार काट कर घर में चोर घुस गए और लाखों के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए हैं। जमा किए सूट गई चार दो मंगल सूट आए दो जोड़ी तोड़ी आई कुंड लाए तो का सही वहां में दीवार काटी थी वो मो एक वहां में दीवार काट के ले गो भैया रात को ले गो 11 बजे तक तो जगी हूँ 12-1 बजे के बीच में कछु आयो। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला कीर्तिनगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर मंच पर पप्पू कह दिया। सुबोध उनियाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल करे तो उसमें पप्पू लिखने पर सीधे राहुल गांधी का नाम आ जाता है। सुबोध उनियाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक पप्पू वाली छवि को नहीं तोड़ पाया वो पार्टी जनता का क्या विकास कर सकेगी। में मुख्यमंत्री जी आए थे जिसमें सभी मंत्री यहां पर थे और उसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को गलत शब्दों का बयान किया उसके लिए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तनगर उनकी घोर निंदा करती है। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए, ये पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहती है कि वो माफी मांगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।